सालम, पहले तुम जाओ। नहीं नहीं, पहले तुम जाओ। उबेद, मैं जानता हूँ तुम दोनों यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो, और चाहे जो हो जाए मैं बकरा नहीं बनने वाला। ना जाने कितना टाइम बचा है। हमें बस केमिस्ट्री क्लास तक रुकना होगा और फिर रिसेस के बाद क्लास फोटो का टाइम होगा। मुझे क्लास फोटो से नफरत है। ओह, मुझे भी, पर इस बार हमें अच्छी फोटो खिंचवानी होगी। अगर पिछले साल जैसा हुआ तो मेरी मम्मी बहुत गुस्सा करेंगी। मेरी मम्मी भी नाराज हो जाएगी। हम बिल्कुल भी मस्ती नहीं करेंगे, इस बार साफ रहना ही होगा। ठीक है, तो मुझे बताओ कि हम कॉरिडोर से कैसे जाएंगे। अच्छा, चलो जाना तो है ही। संभाल कर दोस्तों, पता भी नहीं चलेगा कब वलीद आ जाएगा। ओ मंसूर, बड़े दिनों बाद मिले, ये पकड़ो। उबेद, मेरे कपड़ों पे लगा। कपड़े पर नहीं, चेहरे पर। चेहरे पर? मेरे चेहरे पर? मेरे चेहरे पर, बस चेहरे पर है, बस चेहरे पर है। तुम्हारे चेहरे पर, चेहरे पर है। पर ये क्या? निकालो, निकालो इसे, निकालो। घबराओ मत, जैसे मैंने समझाया था, मैंने अपनी नई यूवी प्रोटेक्शन सनस्क्रीन बना ली है, जिससे हम सभी को विटामिन डी मिलता है, इसीलिए ये हमारे स्किन के लिए अच्छी है। सच में कितनी अच्छी खुशबू है, क्या थोड़ी मिल सकती है सर? एक बार इसके टेस्ट हो जाने दो, फिर तुम थोड़ी ले लेना। कितनी अच्छी खुशबू है, मुझे थोड़ी मिल सकती है क्या सर? हैं? सही कहा ना? नहीं। मैं क्या बताऊँ, तुम बताओ। नहीं, तुम अपनी बताओ। क्या? बहुत शुक्रिया बच्चों, अब हम जानने वाले हैं विटामिन डी के बारे में एक जरूरी लेसन। हाल ही में एक रिसर्च से पता चला है कि विटामिन डी याददाश्त बढ़ाता है। तुम्हारे बाद। ओहो, फिर से
या तो फिर हम यहीं रुककर अली सर की उनके एक्सपेरिमेंट में मदद कर ले। तुम ब्रेक के बाद आकर मेरी पैकेजिंग में मदद कर सकते हो। आगे बढ़ो। हाँ? कितनी गंद है। स्कूल का कॉरिडोर ऐसा ही तो दिखता है। उफ, जब हम साफ रहने की कोशिश कर रहे होते हैं तो आसपास इतना गंद क्यों होता है? हमें बल्कि रुककर इंतजार करना होगा। हाँ, फुटबॉल भी नहीं खेल सकते। हम खाना भी नहीं खा सकते हैं। हाँ, मुझे स्कूल फोटो डे से नफरत है। और अब टाइम हो गया है फोटो खिंचवाने का। सबसे पहले हम सोलो फोटोज खिंचवाएंगे, उसके बाद क्लास फोटो। सभी बच्चे अंदर आए लेकिन एक लाइन में। उफ, आखिरकार। शुरू करते हैं। आपका नाम लेते ही आपको आना है फोटोग्राफर के रूम में जल्द से जल्द। तो सबसे पहले अहमद ओसामा, अहमद हुसैन, अहमद जमाल, अहमद उमेर, अहमद आमिर, अहमद गालिब। इसमें तो वक्त लगने वाला है। चलो अली सर के पास चलते हैं। ये लो, वो तो चले गए। अजीब है, अली सर कभी भी अपना एक्सपेरिमेंट बीच में छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, और ना ही बिना निगरानी के लैब को। कुछ तो गड़बड़ है, हमें पता लगाना ही होगा। दोस्तों, हमें चुपचाप चलकर अपनी फोटो खिंचवानी चाहिए। उसमें वक्त है, चलो। वो देखो, वो रहे। हम आपको हर जगह ढूंढ रहे थे अली सर। ये क्या? मेरे ख्याल से आपके चेहरे पर। ओह हाँ, लगता है क्रीम के साइड इफेक्ट हो रहे हैं। पर कोई बात नहीं, ये चले जाएंगे। या ना जाए। पर उस क्रीम ने आपका ये हाल कर दिया, तो इसका मतलब यही हाल होगा। क्या? नहीं, क्या सच में? नहीं 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 नहीं, पर मेरी फोटो 10 मिनट में खींचेंगे। जासिम अब्दुल्ला। दरअसल उससे भी कम टाइम है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, सब ठीक होगा। मैंने कैलकुलेट किया है, पर मुझे चाहिए अब एक क्रीम ताकि मैं उसे डाइल्यूट कर सकूं, और उसे लगाते ही असर दिखा देगी। तो आपका मतलब आपके पास वो क्रीम नहीं है? नहीं, वो लैब में छूट गया। क्या तुम उन्हें बताओगे? मैं बता दूं। क्रीम तो वहाँ नहीं है। तो ढूंढो उसे, और जल्दी। कहाँ से शुरू करें? खलील अहमद। हेलो दोस्तों, तुमने अली सर की क्रीम देखी है? वो मिल नहीं रही। क्या? कौन सी क्रीम? वही क्रीम जो उन्होंने केमिस्ट्री लैब में दिखाई थी। तुम्हें याद है? नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। वही क्रीम जिसकी खुशबू अच्छी थी। मुझे याद आया, मुझे वो क्रीम अच्छी लगी थी। नहीं नहीं, वो क्रीम गायब है। तुम्हारे पास है? हमारे पास? हाँ, तुम्हारे पास। नहीं, हमारे पास नहीं है। हाँ, कुछ भी तो नहीं है। ये क्रीम। अब मुझे याद आया, बहुत अच्छी खुशबू है। हाँ, और बहुत सारा विटामिन डी भी, याददाश्त के लिए भी अच्छा है। है ना? हाँ, पर असल में ये क्रीम उस मामले में मदद नहीं करेगी, और सूरज की रोशनी। शुक्रिया क्रीम लौटाने के लिए दोस्तों, क्या अब हम जा सकते हैं? राशिद अहमद, रशीद, तुम्हें थोड़ी देर के लिए जाकर धूप सेकनी चाहिए। इसका वजन 1.98 ग्राम्स है। तो अब कोई आइडिया नहीं। मेरी समझ में नहीं आ रहा। ओबेद, मेरी बारी आ गई। अब मैं क्या करूंगा? आप कुछ कर नहीं सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओह, बहुत कोशिश की कि मैं फोटो में अच्छा दिखूं, पर सारी मुसीबतें मुझ पर ही क्यों आ जाती हैं दोस्तों? मेरी मानो तो उतना बुरा नहीं है। हाँ, कम से कम तुम साफ तो हो, ऑरेंज हो पर साफ हो। हाँ, तुम तो आसानी से कह सकते हो। तुम्हें थोड़ी ना मेरी तरह क्लास फोटो में ऑरेंज कलर का दिखना पड़ेगा आज।
मिल गया आइडिया। बहुत अच्छे हो उबेद। मेरा भी हो गया। तुम्हारा हुआ मंसूर? अभी नहीं, होने ही वाला है। अच्छा, क्या तुम बताओगे कि तुम क्या कर रहे हो? मैं नानो का माइक्रोचिप अपग्रेड करूंगा। इस अपग्रेड के साथ वो बेहतर दिखेगा और ज्यादा समझदार हो जाएगा और वो उड़ भी पाएगा। क्या मजा आएगा सच में। कैसा लग रहा है नानो? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक उड़ता रोबोट। नानो, तुम दुनिया के सबसे अच्छे आविष्कार हो। जल्दी करो मंसूर, जल्दी करो। हो गया। मुझे बस अब दो काम करने हैं और चिप इंस्टॉल करते ही तैयार हो जाएगा। पर पहले नानो को शट डाउन कर दो। हम बहुत जल्दी मिलेंगे नानो। बाय, गुड नाइट। और अब बस मुझे कुछ पीने के लिए लाना है। उबेद, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं शुक्रिया, मेरे लिए मेरे बैग में है। उबेद, मेरे आने तक कुछ छूना नहीं। नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं छूऊंगा, ठीक है? उबेद, तुम किसी चीज को छू तो नहीं रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। सब कुछ ठीक है ना? हाँ? और अब वक्त आ गया है नानो 2.0 का। नानो 2.0 ड्यूटी पर हाजिर है। हेलो नानो, कैसा लग रहा है तुम्हें? मुझे अच्छा लग रहा है। नया चिप एक्टिवेट हो चुका है। ये थोड़ा अजीब लग रहा है ना? हाँ, और उसकी आँखों को क्या हो गया है? पता नहीं। ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा है? पक्का इसके सिस्टम में वायरस होगा। इसे शटडाउन करना होगा। अब मुझे कोई शटडाउन नहीं कर पाएगा। बुक वापस दो। मैं देखना चाह रहा था कि ये स्कूल बुक थी। उड़ती है क्या? बिल्कुल भी नहीं। उसे फेंकने की हिम्मत मत करना। आ, 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 आ,
सब यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें दिख नहीं रहा मैं काम कर रहा हूँ, बाहर जाओ चुपचाप। हाँ? हाय, तुम लोग खेलना चाहोगे? नहीं। हम तो गए। हेलो बच्चों। यही रख रही हूँ ताकि तुम लोग बाद में खा सको। केक कौन खाना चाहता है? नहीं नानो, नहीं प्लीज नहीं। ओबे, तुम ये केक के साथ क्या मस्ती कर रहे हो? नानो ने किया। पता नहीं तुम क्या कह रहे हो ओबेद। ओबेद, झूठ मत बोलो, अब चलो खुद को साफ करो। मुझे माफ करिए। सच में ये केक तो बड़ा टेस्टी है। ओबेद, ये क्या गंद मचा दिया? कैसे हो बच्चों? ओबेद, तुमने केक खाया? मरियम, मेरी टाई कहाँ पर है? मुझे 10 मिनटों में एयरपोर्ट पहुंचना है। मुझे बताना तुम्हारे डैड बिना इसके एयरपोर्ट कैसे पहुंचेंगे? नहीं नानो, मेरे डैड लेट हो जाएंगे। सैलम, नल से होस पाइप निकाल दो जल्दी। तुमने भी कमाल कर दिया। तुम्हें सच में लगता है क्या तुम मुझे रोक लोगे? मुझे मदद चाहिए, जल्दी से पाइप पकड़ो। बच्चों, शैतानी बिल्कुल मत करना। हाँ, इस चिप में जूस भरा हुआ है, ये कैसे हुआ? यकीन नहीं होता तुमने ये किया ओबेद। मैंने कहा था ना कुछ छूना मत। मैंने किसी को भी नहीं छुआ था। झूठ मत बोलो। ओए, मुझे माफ कर दो मंसूर, ये एक हादसा था। अच्छी बात यह है कि चाबियां मिल गई।
सही कहा, बस अब उम्मीद है नानो काम करने लग जाए। नानो 2.0 आपकी ड्यूटी में हाजिर। कैसा लग रहा है नानो? अच्छा लग रहा है, शुक्रिया मंसूर, शुक्रिया। तुम कुछ तोड़ोगे तो नहीं ना, या किसी का होमवर्क लेके उड़ तो नहीं जाओगे? समझा नहीं, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? नानो, तुम्हें चीजें कैसी ठीक करनी है आती है ना? हाँ, इस नए अपग्रेड के बाद बिल्कुल आती है। ओह, पता नहीं ये कैसे हो गया। अंकल, टॉवल्स ले लो बच्चों। मैं क्या कह रही थी बच्चों, क्यों ना तुम सब लोग जंगल में थोड़ा घूम कर आओ। जंगल में? हाँ हाँ, जंगल में। हाँ, यहाँ से दूर चले जाओ। ये आइडिया बहुत बढ़िया है मरियम। हाँ हाँ, वैसे भी मैं यहाँ बोर होने लगा हूँ अंकल। मुझे बोर होना पसंद है। पिछली बार जब हम जंगल में थे तो कुछ ज्यादा ही तूफानी कर लिया था। सही कहा, हमें काफी बड़ा सा बर्ड खाने वाला था। इससे ज्यादा और क्या कहें? कोई नहीं खाएगा, चलो ओबेद। नानो, मेरी मदद करना। बिल्कुल मंसूर। ओए, चलो दोस्तों। बच्चों, रिसोर्ट से ज्यादा दूर मत जाना। ठीक है मम्मी। मेरा फोन वापस दो। ओए नानो, रुको भी। ओ, 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 नानो, बस वह लौटा दो फोन। ठीक है। ओ, 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 शुक्रिया तुर्की, बढ़िया कैच था। ओ, फोन की बैटरी खत्म हो गई। किसे परवाह, अब जो हम यहाँ आ गए हैं तो चलो भी। अच्छा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? वापस रिसोर्ट चले? बिल्कुल नहीं, चलो पहाड़ पर चलते हैं। देखो उस तरफ। क्यों ना हम वहाँ जाकर तैर ले, वो रास्ता समुंदर की तरफ जाता है। ब्रेकफास्ट बूफे, मैं 3 बार नाश्ता कर चुका हूँ, शायद मुझे थोड़ा चल लेना चाहिए। हाँ, और मुझे गर्मी लग रही है, मैं तैरूंगा। ठीक है, फिर अलग अलग जाते हैं और 1 घंटे बाद फिर यही मिलेंगे। ठीक है, बाद में मिलते हैं दोस्तों। जल्द मिलते हैं। बाद में मिलेंगे। बड़ी ठंड है, पूल इससे बेटर होता है। नहीं, प्यारी बिल्ली। आज फैसला हो जाएगा मंसूर। हाँ।
हो। बनाना एक और ओबेद जीरो। ये बहुत मजबूत है। ठीक है, एक मिनट डंडा दो, आइडिया आया है। एक पतंग, तुम कमाल के हो। छोड़ दो। चलो भी, अब मेरी बारी। जाने दो, अब हमें वापस चलना चाहिए। जल्दी जंगल की तरफ चलो। जल्दी जल्दी। लगता है वो पीछे रह गया। वो कहाँ रह गए? तुर्की सालेम। एक सेकंड रुको, हम नानो की मदद से उन्हें ढूंढ सकते हैं। नानो, हमारे दोस्तों को ढूंढो प्लीज। ठीक है मंसूर। शुक्रिया नानो। ये टेक्नोलॉजी भी ना कमाल की होती है। तुम्हें लगता है हम यहाँ ऊपर सुरक्षित रहेंगे? पता नहीं, हम कोशिश तो कर रहे हैं ना। कम से कम वो तेंदुआ हमें यहाँ नहीं पकड़ पाएगा। आज पता चले तेंदुआ कहीं भी चढ़ सकता है। ऐसा क्या? एक सेकंड, तुम्हारे पास फोन है? ओ हाँ, मेरा फोन। सालेम, ये तुमने क्या कर दिया? जानता हूँ, बेहतरीन निशाना था ना। तुम पागल हो क्या? हम उस फोन से मदद मांग सकते थे। ओ हाँ, ऊपर चढ़ो, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो यहाँ से निकलते हैं, हमें इसी वक्त यहाँ से जाना होगा। हम बस गए हैं, अब हम क्या करें? सालेम, तुर्की। नानो, उबेद देखो। ओह, ये तो तेंदुआ है। वो फंस गए हैं, हमें उनकी जल्दी मदद करनी होगी। मैं डैड को फोन लगाता हूँ। सिग्नल ही नहीं है। बचाओ हमें, हमारी मदद करो। मंसूर, अब हम क्या करें? चलो वापस पहाड़ी पर। वापस पहाड़ पर? तुम फिर से तलवारबाजी करना चाहते हो? चलो भी, ये खेलने का वक्त थोड़ी ना है। ये तलवारबाजी खेलने के लिए नहीं है। जाओ, जाकर जल्दी बड़े पत्ते लेकर आओ। क्यों? ताकि हम उन्हें उड़ाकर बचा सके। ठीक है, तुम इसे उड़ाने वाले हो? हम दोनों इसे उड़ाने वाले हैं। अरे नहीं। हाँ उबेद, जल्दी चलो। हमारे दोस्तों को मदद चाहिए, जल्दी करो उबेद। जो होगा सो होगा। अरे नहीं, लगते समय आ गया है। तुम्हारी बड़ी याद आएगी मुझे भाई। ऊपर देखो। ओ,
तुम्हें कूदना होगा। देखो वो रहे साले, वो आ गए। मैं जब कहूँ हमारे पैर पकड़ लेना। ठीक है, मैं तैयार हूँ। हम नीचे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ऊपर तेंदुआ है। सालम, तुर्की, उबेद, अपने टांगे ऊपर करो। अरे बाप रे, जल्दी। इतना देर कहाँ लगा? देर से ही सही हम आ तो गए। हाँ, ये टूटने से पहले हमें उतर जाना चाहिए दोस्तों। वो देखो, वो रहा रिसॉर्ट। ध्यान से। क्या अब हम बोरिंग सा कुछ करें? ये कुछ ज्यादा ही तूफानी था दोस्तों। हाँ, तुम सब लौट आए तो क्या किया तुम सब ने? हमने पहाड़ चढ़े, जंगल देखा और जानवर भी देखे। जानवर देखे? बड़ा मजा आया होगा। क्यों ना तुम मुझे भी जंगल घुमा लाओ। अब जो तुम सारा घूमी आए हो, मैं यहाँ बोर हो गया हूँ। इन्हें क्या हो गया? क्यों ना हम इन्हें बोर होने देते हैं। सच में जद्दा से मिलने के लिए बेचैन हूँ। सुनो दोस्तों, मैं रेड सी में जाकर वहाँ के बड़े बड़े बेहतरीन सी टर्टल्स देखना चाहता हूँ। बड़े सी टर्टल्स? हाँ, बड़े सी टर्टल्स, सबसे बड़े वाले। माफ करना, पर ऐसे टर्टल्स नहीं होते। देखो, होते हैं ना। हाँ, इंटरनेट पर भी देखा है। इंटरनेट हमेशा सही नहीं होता। खास कर जब साइट का नाम monstersofthedeep.com हो। देखो, हो गया। वॉइस रिकॉग्निशन और मिमिक एप्लीकेशन भी इंस्टॉल हो गया है। ओ, मैं तो समझा ही नहीं। मतलब नानो वॉइसेस के लेवल्स और पैटर्न्स को सुनकर उनकी नकल निकाल पाएगा। हाँ, अब भी कुछ नहीं समझा। देखो। हाँ? हे, ये क्या कर रहे हो? थोड़ी देर रुको, तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। लाजवाब, ये तो बिल्कुल मेरी आवाज थी। फरे सवाद, तुमने सही कहा, मान गया इसे। ये तुमने कैसे किया? क्या इस रोबोट ने अभी मेरी आवाज निकाली? हाँ, ये एक स्मार्ट रोबोट है। ये आपके बोलने के तरीके को सीखकर आपकी आवाज से आपसे बात कर सकता है। अच्छा है ना? मैं इसे कहाँ से खरीद सकता हूँ? नहीं खरीद सकते, क्योंकि इसे मैंने बनाया। अरे, ये तो बड़ी दुख की बात है। ये रोबोट तो मेरे बड़े काम आता। मुझे चिल्ला के बोलने में प्रॉब्लम होती है और बीच पर हो रहे वर्ल्ड कप में कमेंट्री भी देनी है, तो ये रोबोट मेरी मदद कर सकता था। अच्छा, शायद हम आपकी मदद कर पाए, क्योंकि हम भी वही जा रहे हैं। जानते हो, इस साल हमारे जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा है। होम ग्राउंड में होने का फायदा होगा। सही कहा, हम भी अंदर जाने वाले हैं। हम कमेंटेटर की मदद करेंगे। कमेंटेटर की? वो तुम कैसे करोगे? उबेद, स्वागत है लेडीज एंड जेंटलमैन। आज का मैच शुरू होगा तुर्की से। जाहिर है होम ग्राउंड वालों के लिए ये खेल आसान नहीं होगा, जिनका मुकाबला है ब्राजील की टीम से। वो भी एक ऐसे खेल में जिस पर पिछले कुछ सालों से साउथ अमेरिकन राज करते चले आ रहे हैं। ए,
माफ करना। कोई बात नहीं, लेकिन क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमें एक दिन के लिए बोट कहाँ मिलेगी? तुम तो सच में बहुत लकी हो, ये मेरी बोट है और चाहो तो कम दाम में ले लो। कितने में? मुफ्त में, अभी ले जाओ, शाम को जल्दी वापस ले आना। ये बोट ऑटोमेटिक है, इसमें मोटर है, पैडल की जरूरत नहीं। काफी बढ़िया ऑफर है। मैं बहुत दिनों से यही तो चाहता था, समुद्र के बीचों बीच एक दिन की छुट्टी बिताना। जानवर कहाँ है? सारे स्मगल किए जानवर कहाँ छुपाए हैं? क्या कहा, जानवर? कौन से जानवर? जरूर आपको कोई गलत जानकारी मिली है सर जी। ये सी टर्टल्स के लिए हैं। ऑनलाइन लिखा था उन्हें ये पसंद है। देखा, ना जाने वो बड़े वाले सी टर्टल्स कहाँ छुपे बैठे होंगे। हमने तुमसे कहा ना, ऐसे कुछ होता नहीं है, वो सिर्फ कहानियों में होता है। पर जैसा कि मंसूर ने कहा, तुम इंटरनेट पर लिखी सब चीज को सच नहीं मान सकते। क्या मैं बोट चला सकता हूँ मंसूर? तुम्हें चलाने आती है? हाँ, मैंने इंटरनेट पर से देख के सीखा। यहाँ मजा आ रहा है, देख क्या रहे हो, तुम सब भी यहाँ जाओ। तुम्हें यकीन है तुम हमारे साथ नहीं आना चाहते? मैं बोट का ख्याल रखूंगा। अगर वो तुम्हें दिखे तो सी टर्टल को मेरी तरफ से हेलो कह देना। जेद्दा कोस्ट पर सभी बोट्स को सूचित किया जाता है। आज डॉक्स पर एक मशहूर जानवरों का स्मगलर गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उसकी बोट अब भी मिलनी बाकी है। उस बोट का रजिस्ट्रेशन नंबर है 77। अगर वो आपको कहीं भी दिखाई दे तो सावधान रहें। ओ नहीं, हाँ? पर इन्होंने सावधान रहने को क्यों कहा? ओए, हटो हटो यहाँ से, जाओ जाओ। ओ, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं क्या करूं? मिल गया, ये जरूर काम करेगा, पर मैं इसे चलाऊंगा कैसे? जानता हूँ, जरूर यही कहीं इसकी कोई मैनुअल पड़ी होगी। यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं। ओ ठीक है, आसान है। ओ, ओ, नहीं, क्या हुआ, तेंदुआ था? बचाओ, तेंदुआ, यहाँ तेंदुआ है, मुझे यहाँ से निकलना होगा। नहीं, अब बिल्कुल ठीक है। अब ये क्या हो गया? मैंने तुम्हारी जान बचाई, फिर भी तुम मुझे खाना चाहते हो, बताओ? ये स्ट्रॉबेरी मेरी आखिरी उम्मीद है, इसके बाद जो होगा समुंदर की मर्जी है। उबेद, हमें गए सिर्फ आधा घंटा हुआ था, ये क्या हुआ? बोट को देखो, ये डूब रही है। इसमें आग लगी थी क्या? और एक गुस्सेल तेंदुआ हमारे पीछे है। अचानक से आज का दिन मुझे इतने रिलैक्सिंग लग नहीं रहा है। बड़ी लंबी कहानी है,
जरूरी ये है कि ये मेरी बची हुई आखिरी स्ट्रॉबेरी है। तुम्हें अभी भी ऐसा तो नहीं लगता ना कि कोई बड़ा सा टर्टल मिलने वाला है? उबेद, वो बड़े सी टर्टल्स होते ही नहीं है, वो बस कहानी है। हमें यहाँ से बच निकलने का कोई रास्ता जल्दी से ढूंढना पड़ेगा। दोस्तों वहाँ देखो, देखो माना अगर बड़े टर्टल्स होते भी होंगे अब उसके मिलने का क्या फायदा? मेरा मतलब पता नहीं ज्यादा बुरा क्या होगा, डूबना या किसी तेंदुए के पेट में जाना या फिर फ्री की सवारी को खो बैठना, क्योंकि हम इस बोट को कभी वक्त रहते पहुंचा ही नहीं पाएंगे। मैं बताता हूँ बड़े टर्टल के मिलने का क्या फायदा है। मेरे ख्याल से तुम्हें शाबाशी मिलनी चाहिए। हाँ? तुमने स्मगलर की बोट ढूंढ ली। स्मगलर की बोट? हाँ, और जैसा कि आप देख सकते हो जिसे वो स्मगल कर रहा था वो बिल्कुल ठीक है। दोस्तों मैंने कहा था ना लंबी कहानी है। ओह दोस्तों मैंने अजीब सपना देखा, मैं एक बोट में अकेला फंस गया था। वो कोई सपना नहीं था। जब उसमें आग लगी तब भी नहीं? नहीं। और वो तेंदुआ? नहीं। पर फारिसवद हमें कैसे मिल सकते हैं? लो मैं आ गया, तुम लड़कों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और तुम लोगों के साथ मैंने कुछ ज्यादा ही मजे किए। मुझे लगता नहीं है बच्चों कि अब मुझे जल्द कोई छुट्टी मिलने वाली होगी। और फिर नानो ने इतनी शानदार कमेंट्री दी उस टूर्नामेंट में कि मेरा फोन तब से बजता जा रहा है और मैं उठा नहीं पा रहा हूँ। क्या बात है नानो। जाओ। नहीं नहीं पहले तुम जाओ। उबेद, मैं जानता हूँ तुम दोनों यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो और चाहे जो हो जाए मैं बकरा नहीं बनने वाला। ना जाने कितना टाइम बचा है। हमें बस केमिस्ट्री क्लास तक रुकना होगा और फिर रिसेस के बाद क्लास फोटो का टाइम होगा। मुझे क्लास फोटो से नफरत है। ओह मुझे भी, पर इस बार हमें अच्छी फोटो खिंचवानी होगी। अगर पिछले साल जैसा हुआ तो मेरी मम्मी बहुत गुस्सा करेंगी। मेरी मम्मी भी नाराज हो जाएगी। हम बिल्कुल भी मस्ती नहीं करेंगे, इस बार साफ रहना ही होगा। ठीक है तो मुझे बताओ कि हम कॉरिडोर से कैसे जाएंगे। अच्छा चलो जाना तो है ही। संभाल कर दोस्तों, पता भी नहीं चलेगा कब वलीद आ जाएगा। ओ मंसूर, बड़े दिनों बाद मिले, ये पकड़ो। आ,
समझा था मैंने अपनी नई यूवी प्रोटेक्शन सनस्क्रीन बना ली है जिससे हम सभी को विटामिन डी मिलता है इसीलिए ये हमारे स्किन के लिए अच्छी है सच में कितनी अच्छी खुशबू है क्या थोड़ी मिल सकती है सर एक बार इसके टेस्ट हो जाने दो फिर तुम थोड़ी ले लेना कितनी अच्छी खुशबू है मुझे थोड़ी मिल सकती है क्या सर है? सही कहा ना नहीं मैं क्या बताऊँ तुम बताओ नहीं तुम अपनी बताओ क्या बहुत शुक्रिया बच्चों अब हम जानने वाले हैं विटामिन डी के बारे में एक जरूरी लेसन हाल ही में एक रिसर्च से पता चला है कि विटामिन डी याददाश्त बढ़ाता है तुम्हारे बाद ओहो, फिर से या तो फिर हम यहीं रुककर अली सर की उनके एक्सपेरिमेंट में मदद कर ले तुम ब्रेक के बाद आकर मेरी पैकेजिंग में मदद कर सकते हो आगे बढ़ो हाँ? कितनी गंद है स्कूल का कॉरिडोर ऐसा ही तो दिखता है उफ, जब हम साफ रहने की कोशिश कर रहे होते हैं तो आसपास इतना गंद क्यों होता है हमें बल्कि रुककर इंतजार करना होगा हाँ। फुटबॉल भी नहीं खेल सकते हम खाना भी नहीं खा सकते हैं हाँ। मुझे स्कूल फोटो डे से नफरत है और अब टाइम हो गया है फोटो खिंचवाने का सबसे पहले हम सोलो फोटोज खिंचवाएंगे उसके बाद क्लास फोटो सभी बच्चे अंदर आए लेकिन एक लाइन में उफ आखिरकार शुरू करते हैं आपका नाम लेते ही आपको आना है फोटोग्राफर के रूम में जल्द से जल्द तो सबसे पहले अहमद ओसामा अहमद हुसैन अहमद जमाल अहमद उमेर अहमद आमिर अहमद गालिब इसमें तो वक्त लगने वाला है चलो अली सर के पास चलते हैं ये लो वो तो चले गए अजीब है अली सर कभी भी अपना एक्सपेरिमेंट बीच में छोड़कर कभी नहीं जाएंगे और ना ही बिना निगरानी के लैब को कुछ तो गड़बड़ है हमें पता लगाना ही होगा दोस्तों हमें चुपचाप चलकर अपनी फोटो खिंचवानी चाहिए उसमें वक्त है चलो वो देखो वो रहे हम आपको हर जगह ढूंढ रहे थे अली सर ये क्या मेरे ख्याल से आपके चेहरे पर ओह हाँ लगता है क्रीम के साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं पर कोई बात नहीं ये चले जाएंगे या ना जाए पर उस क्रीम ने आपका ये हाल कर दिया तो इसका मतलब यही हाल होगा क्या नहीं क्या सच में नहीं 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 पर मेरी फोटो 10 मिनट में खींचेंगे जासिम जासिम अब्दुल्ला दरअसल उससे भी कम टाइम है नहीं नहीं कोई बात नहीं सब ठीक होगा मैंने कैलकुलेट किया है पर मुझे चाहिए अब एक क्रीम ताकि मैं उसे डाइल्यूट कर सकूं और उसे लगाते ही असर दिखा देगी तो आपका मतलब आपके पास वो क्रीम नहीं है नहीं वो लैब में छूट गया क्या तुम उन्हें बताओगे मैं बता दूं
क्रीम तो वहाँ नहीं है, तो ढूंढो उसे और जल्दी। कहाँ से शुरू करें? खलील अहमद। हेलो दोस्तों, तुमने अली सर की क्रीम देखी है? वो मिल नहीं रही। क्या? कौन सी क्रीम? वही क्रीम जो उन्होंने केमिस्ट्री लैब में दिखाई थी। तुम्हें याद है? नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। वही क्रीम जिसकी खुशबू अच्छी थी। मुझे याद आया, मुझे वो क्रीम अच्छी लगी थी। नहीं नहीं, वो क्रीम गायब है। तुम्हारे पास है? हमारे पास? हाँ, तुम्हारे पास। नहीं, हमारे पास नहीं है। हाँ, कुछ भी तो नहीं है। ये क्रीम, अब मुझे याद आया, बहुत अच्छी खुशबू है। हाँ, और बहुत सारा विटामिन डी भी, याददाश्त के लिए भी अच्छा है। है ना? हाँ, पर असल में ये क्रीम उस मामले में मदद नहीं करेगी, और सूरज की रोशनी। शुक्रिया क्रीम लौटाने के लिए दोस्तों, क्या अब हम जा सकते हैं? राशिद अहमद, रशीद, तुम्हें थोड़ी देर के लिए जाकर धूप सेकनी चाहिए। इसका वजन 1.98 ग्राम्स है। तो अब कोई आइडिया नहीं। मेरी समझ में नहीं आ रहा। ओबेद, मेरी बारी आ गई। अब मैं क्या करूंगा? आप कुछ कर नहीं सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओह, बहुत कोशिश की कि मैं फोटो में अच्छा दिखूं, पर सारी मुसीबतें मुझ पर ही क्यों आ जाती हैं दोस्तों? मेरी मानो तो उतना बुरा नहीं है। हाँ, कम से कम तुम साफ तो हो, ऑरेंज हो पर साफ हो। हाँ, तुम तो आसानी से कह सकते हो। तुम्हें थोड़ी ना मेरी तरह क्लास फोटो में ऑरेंज कलर का दिखना पड़ेगा आज। मिल गया आइडिया। अच्छे हो बेद। मेरा भी हो गया। तुम्हारा हुआ मंसूर? अभी नहीं, होने ही वाला है। अच्छा, क्या तुम बताओगे कि तुम क्या कर रहे हो? मैं नानो का माइक्रोचिप अपग्रेड करूंगा। इस अपग्रेड के साथ वो बेहतर दिखेगा और ज्यादा समझदार हो जाएगा, और वो उड़ भी पाएगा। क्या मजा आएगा सच में। कैसा लग रहा है नानो? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक उड़ता रोबोट। नानो, तुम दुनिया के सबसे अच्छे आविष्कार हो। जल्दी करो मंसूर, जल्दी करो। हो गया, मुझे बस अब दो काम करने हैं, और चिप इंस्टॉल करते ही तैयार हो जाएगा। पर पहले नानो को शट डाउन कर दो। हम बहुत जल्दी मिलेंगे नानो। बाय, गुड नाइट। और अब बस मुझे कुछ पीने के लिए लाना है। ओबेद, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं शुक्रिया, मेरे लिए मेरे बैग में है। ओबेद, मेरे आने तक कुछ छूना नहीं। नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं छूंगा, ठीक है? ओबेद, तुम किसी चीज को छू तो नहीं रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं।
सब कुछ ठीक है ना? हाँ? और अब वक्त आ गया है नानो 2.0 का। नानो 2.0 ड्यूटी पर हाजिर है। हेलो नानो, कैसा लग रहा है तुम्हें? मुझे अच्छा लग रहा है। नया चिप एक्टिवेट हो चुका है। ये थोड़ा अजीब लग रहा है ना? हाँ, और इसकी आंखों को क्या हो गया है? पता नहीं। ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा है? पक्का इसके सिस्टम में वायरस होगा, इसे शटडाउन करना होगा। अब मुझे कोई शटडाउन नहीं कर पाएगा। बुक वापस दो। मैं देखना चाह रहा था कि ये स्कूल बुक थी, उड़ती है क्या? बिल्कुल भी नहीं, उसे फेंकने की हिम्मत मत करना। सब यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें दिख नहीं रहा मैं काम कर रहा हूँ? बाहर जाओ चुपचाप। हाँ? हाय, तुम लोग खेलना चाहोगे? नहीं। हम तो गए। हेलो बच्चों। हेलो। केक यही रख रही हूँ ताकि तुम लोग बाद में खा सको। केक कौन खाना चाहता है? नहीं नानो, नहीं प्लीज नहीं। ओबे, तुम ये केक के साथ क्या मस्ती कर रहे हो? नानो ने किया। पता नहीं तुम क्या कह रहे हो ओबेद। ओबेद, झूठ मत बोलो, अब चलो खुद को साफ करो। मुझे माफ करिए। सच में ये केक तो बड़ा टेस्टी है। ओबेद, ये क्या गंद मचा दिया? कैसे हो बच्चों? ओबेद, तुमने केक खाया? मरियम, मेरी टाई कहाँ पर है? मुझे 10 मिनटों में एयरपोर्ट पहुंचना है। मुझे बताना तुम्हारे डैड बिना इसके एयरपोर्ट कैसे पहुंचेंगे? नहीं नानो, मेरे डैड लेट हो जाएंगे। निकाल दो जल्दी।
पीछे मंसूर। तुमने भी कमाल कर दिया। तुम्हें सच में लगता है क्या तुम मुझे रोक लोगे? मुझे मदद चाहिए, जल्दी से पाइप पकड़ो। सैलम, चलो डैड को चाबी दे आए, वरना उन्हें लेट हो जाएगा। बाय बच्चों, बाय बाय। शैतानी बिल्कुल मत करना। हाँ, इस चिप में जूस भरा हुआ है, ये कैसे हुआ? यकीन नहीं होता तुमने ये किया उबेद। मैंने कहा था ना कुछ छूना मत। मैंने किसी को भी नहीं छुआ था। झूठ मत बोलो। ओए, मुझे माफ कर दो मंसूर, ये एक हादसा था। अच्छी बात ये है कि चाबियां मिल गई। सही कहा, बस अब उम्मीद है नानो काम करने लग जाए। नानो 2.0 आपकी ड्यूटी में हाजिर। कैसा लग रहा है नानो? अच्छा लग रहा है, शुक्रिया मंसूर, शुक्रिया। तुम कुछ तोड़ोगे तो नहीं ना, या किसी का होमवर्क लेके उड़ तो नहीं जाओगे? समझा नहीं, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? नानो, तुम्हें चीजें कैसी ठीक करनी है आती है ना? हाँ, इस नए अपग्रेड के बाद बिल्कुल आती है। ओह, पता नहीं ये कैसे हो गया।